साथियों जय भीम। मैं प्रवीण बरसी हरियाणा से हूँ और आज हम पहुँचे हैं इधर दिल्ली में। दिल्ली में एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो देवली पहाड़ी पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू लगा है और बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ के नाम जो 65 बीघा ज़मीन है उस ज़मीन को केजरीवाल सरकार अपने गैरकानूनी तरीके से उसको हथियाना चाह रही है और उसको वहाँ पर एक अवैध स्कूल बनाना चाह रही है। इसी के विरोध में ये बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं और ये लोग चेतना चाहते हैं सरकार को कि आप या तो मान जाइए, इसका रोक दीजिए, वरना ये आपकी सरकार गिराने में और अपनी सरकार बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। और मैं अपने समाज से भी कहना चाहूँगा कि साथियों, इस प्रकार की ये सोच है, इनकी मानसिकता है ये और ये बनी रहेगी। इसका अगर उपचार करना है तो दो ही तरीके हैं, या तो सामाजिक तौर पर इतने इकट्ठे हो जाएँ कि हम सरकार को झुका सकें, या फिर इतने राजनीतिक रूप से इतने इकट्ठे हो जाएं कि हम अपनी सरकार बना सकें। दो ही तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई नहीं है। और जो समाज जितना जल्दी इन तरीकों को समझ जाएगा, इन बात को समझ जाएगा, उतना फायदे में रहेगा, वरना हमें खामियाजा पहले महाराष्ट्र में और गुजरात में भुगतना पड़ा है। इसी प्रकार जब बार बार ये सरकार, मनवादी सरकार अपने पैर जमा लेगी, वहीं पर हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इनका ये दलित विरोधी चेहरा पहले भी सामने आ चुका है और अब भी आप देख पा रहे होंगे। तो सभी मैं जो हमारे साथी हैं कैमरामैन, उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो चैनल है साथी का समता टीवी, यूएनए, उनका धन्यवाद करता हूँ जो कवरेज कर रहे हैं। और बहुजन मीडिया बहुत सारा यहाँ पर आया हुआ, उनका सबका थैंक्स। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। थोड़ा सा आगे ले लो भैया, थोड़ा आगे ले लो। मैं सबको कह रहा हूं, महिलाओं को नहीं।